ये प्लांट है दोस्तों अंकल ट्री का, और इस इसके इसको तो हम मिले ही नहीं इस सीजन में, अपने आप ही ग्रो हो रहा है। देखिए दूसरी बार का ग्रोथ है और कुछ से बड़ी बड़ी टहनियाँ बन रही है, यानी ब्रांच बढ़ रही है, तो उसको हमें ट्रिम करना पड़ेगा। बैलेंस दोस्तों, बैलेंस ही सब कुछ है यहाँ। अगर बैलेंस नहीं किया तो फिर बनी बनाई ब्रांच चली जाती है, और इस प्लांट के साथ भी वैसा हो चुका है पहले। तो पिंचिंग, छोटी ब्रांच है तो पिंचिंग कीजिएगा, थोड़ी बड़ी है तो फिर ट्रिमिंग कर देना होता है। तो यहाँ नहीं कट करेंगे तो यहाँ से कोई ब्रांच नहीं आएगी। तो ये प्रोसेस तो जरूरी है। यहाँ तीन हो गए हैं तो दो ही रखेंगे। तो ये मेंटेन करना है प्लांट को दोस्तों, ये होता है मेंटेन करना। और मेंटेन करते रहेंगे तो ही आप कुछ अच्छा बना पाएंगे दोस्तों। यहाँ वायर है तो उसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ इजीली डाइबैक हो जाता है अगर बैलेंस नहीं बनाएंगे आप, तो फिर बैलेंस तो बनाना ही बनाना है। और इसका कुछ रिवर्स टेपर सा भी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये प्लांट दोस्तों थोड़ा रेयर है तो इसलिए ये सब चलता है, और मुझे तो अच्छा ही लगने वाला है। ये प्लांट मेरा बहुत ही फेवरेट है पहले से दोस्तों, क्योंकि जब इसमें फ्रूटिंग होती है वो इससे भी बढ़िया उसकी फ्लावरिंग दोस्तों। फ्लावरिंग के वक्त पूरा प्लांट फ्लावर से भरा रहता है, एक भी पत्ता नहीं रहता। और जो लोअर ब्रांच है उसको हमने किया है सेक्रीफाइस, देख सकते हैं। और यहाँ जो स्टेम है उसको निकाल देते हैं। तो ठीक ठाक ब्रांचिंग हो रही है, जहाँ डाइबैक हुआ है वो हटा रहे हैं, यही भी करना है आप सबको। और यहाँ नेगेटिव स्पेस लग रही है तो फिर उसको भी उड़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल लगे कि वायरिंग करने की इच्छा है तो वायरिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काम करना जरूरी है, प्रैक्टिस, उसको भी ट्रिम करते हैं। देखिए यहाँ एक रूट से ये प्रोपोगेशन करता है, तो यहाँ रूट से भी एक प्लांट बन रहा है तो उसको भी प्रमोट करेंगे। बट यहाँ ज़्यादा ब्रांचे हो जाती है तो उसको तो कम करना पड़ेगा। और जो सेक्रीफाइस की हुई ब्रांच है उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो भले ही जगह बदल गई है, स्पेस मिलना चाहिए पौधे रखने का दोस्तों। अब ये रेडी है ये प्लांट, तो मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाइम बहुत कम मिल रहा है दोस्तों, हो सकता है डेली वीडियो ना मिल पाए, फिर भी कोशिश करूँगा वीकेंड में वीडियो बनाने का, क्योंकि वक्त बहुत ही कम मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।